मतगणना हम इस समय मौजूद है मतगणना स्थल पर, जहाँ पर मीडिया कर्मी को बैठाया गया है। कम से कम मतगणना स्थल से 150 मीटर दूरी पर मीडिया गैलरी बनाई गई है। यहाँ पर जमघट है मीडिया गैलरी में। अब आप देख सकते हैं कि सेकंड राउंड की गणना के रिजल्ट आ चुके हैं। लगभग सुधाकर सिंह 1100 मतों से चुनाव लीड कर रहे हैं और दारा सिंह 1100 मतों से पीछे हैं। अब हमारे साथ कुछ यहाँ पर पत्रकार मौजूद हैं, इसको किस रूप में देखते हैं हम उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। 1100 मतों से सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं, क्या कहेंगे इसको, किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से जो जमीन पे स्थानीय बनाम बाहरी वाला मुद्दा दिख रहा था, या जो नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति, वो अभी दिख रहा है। लेकिन अभी जब तक 3-4 राउंड और ना हो जाए, तब तक अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। जी, क्या कहेंगे अभी 1100 मतों से सुधाकर सिंह चुनाव में आगे हैं, क्या कहेंगे? अब जैसा कि रुझान चल रहा था शुरू से ही, मतदान और मतगणना के पहले से ही तमाम जो बातें आ रही थी क्षेत्र से सामने आके, अभी परिणाम भी उसी के मुताबिक आ रहा है। तो अभी तो हालांकि 2 राउंड की गिनती हुई, अभी 30 राउंड की गिनती बाकी है। तो अभी कुछ कहा नहीं सकता, हालांकि 1100 से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आगे है। रंजीत जी बताइए, 2 राउंड का गणना का रिजल्ट आ चुका है, क्या किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, 2 राउंड का तो गणना आया है जिसमें सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे हैं। तो अभी ये दूसरे ही राउंड का है, जैसे जैसे अभी तो 34 राउंड का कुल होना है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तैसे तैसे और तस्वीर साफ हो पाएगी। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है सुधाकर सिंह, अभी लगभग 1200 वोट से आगे चल रहे हैं दूसरे चक्र के मतगणना। अभी तक जैसा कि हम लोगों को मतदान के बाद जिस प्रकार से सूचना मिली थी अपने क्षेत्रीय रिपोर्टरों से और स्थानीय जनता से, तो हम लोग इस बात के अनुमान में था पहले से भी सुधाकर सिंह हर जगह बहुत बनाए हुए हैं और उसी के अनुकूल भी लगभग परिणाम भी आ रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है, अन्य अभी लगभग परिणाम अभी आने हैं, देखिए क्या होता है। तो ये यहाँ पर पत्रकारों की हमने राय लिया है, पत्रकार यहाँ पर मौजूद थे, पत्रकारों का राय है कि अभी सेकंड राउंड का ही रिजल्ट अभी आया है। तो सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड से ही समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। तो जो मतदान के दिन और मतगणना के दिन जो पत्रकारों ने समझा है और ग्राउंड लेवल पे जो काम किया है, उसी का अनुरूप उनको यहाँ पर रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। अब तो अभी और 32 राउंड गणना और होना है और तब लगभग आधा गणना के बाद कुछ स्थिति तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है और कौन बनेगा घोसी का विधायक। वेद मिश्रा, NBT ऑनलाइन, मऊ।